यू कैन सी ऑन द स्क्रीन लेट मी टेल यू चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए आज उसे आना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए कल हम लोग मैच जरूर जीतेंगे चाहे कुछ भी हो जाए घर से बाहर मत निकलना चाहे कुछ भी हो जाए वो तुम्हें आई लव यू नहीं कहेगी चाहे कुछ भी हो जाए चोर पकड़ा जाना चाहिए वेल डियर हाउ कैन यू से दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश लेट्स नो अबाउट इट सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर की यदि स्ट्रक्चर समझ में आएगा तो बनाने में मजा आ जाएगा और समझ में आएगा सही बात है आइए सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं चाहे कुछ भी हो जाए इसको इंग्लिश में बोलते हैं चाहे आसमान फटे या धरती पलट जाए इट मीन दैट धरती पटे या आसमान गिर जाए तो चाहे कुछ भी हो जाए इसको इंग्लिश में बोलते हैं कम वोट में कम वोट में चाहे कुछ भी हो जाए के लिए क्या बोलेंगे कम वोट में उसके बाद सेंटेंस को उसी टेंस में अकॉर्डिंग टू उसको ट्रांसलेट करेंगे जो वो टेंस में है या वो सिंपल सेंटेंस होगा तो सिंपल सेंटेंस बना देंगे यदि सेंटेंस मॉडल वर्ब में रहेगा तो उसको मॉडल वर्ब में बना देंगे आइए हम लोग एक एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको चुटकियों में समझने की कोशिश करते हैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा अब यहाँ पर देखिए जब भी जरूर वर्ड दिया रहेगा ना सेंटेंस में अवश्य या ज़रूर जब सेंटेंस में जोर देंगे एम्फेसाइज करेंगे जनरली आई के साथ लगता है सेल बट हम लोग क्या करेंगे आई के साथ जब विल लगा देंगे तो सेंटेंस में एफेसाइज हो जाएगा और भी आप जोर डालना चाहते हैं तो सियोरली डेफिनेटली ये सब वर्ड लगा सकते हैं जरूर या अवश्य के लिए वेल हम लोग क्या करेंगे ओनली विल लगा देंगे मैं दोनों बना देता हूँ आपको जो समझ में उसको समझ लीजिएगा ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा वैसे साथ देना को बोलते stand by, stand by, इसको करते हैं में में आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं क्या कर सकते हैं आप कम वोट में श्योरली स्टैंड बाय यू नेक्स्ट सेंटेंस है चाहे कुछ भी हो जाए आज उसे आना होगा चाहे कुछ भी हो जाए आज उसे आना होगा कम वोट में टुडे ही विल हैव टू कम ही विल हैव टू कम कम वोटमे कम वोटमे को आप लास्ट में भी राइड कर सकते हैं नेक्स्ट सेंटेंस चाहे कुछ भी हो जाए कल हम लोग मैच जरूर जीतेंगे

आई लव यू कम वोट में कम वोट में का आप लास्ट में यूज कर सकते हैं नेक्स्ट सेंटेंस आज का आखिरी सेंटेंस है चाहे कुछ भी हो जाए चोर पकड़ा जाना चाहिए तो जाना चाहिए पेशी बॉइस का सेंटेंस है सुड बी का यूज होगा कम वोट में द थिप सुड बी कॉट पकड़ने के बोलते हैं कैच कैच का भीतरी होता है कॉट क्योंकि में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है इसको आप इस तरह से बोल सकते हैं द थीप शुड बी कॉट कम वोट में कम वोटमे को आप लास्ट में भी राइट कर सकते हैं वेल well, दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी यदि अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्रिप्शन बटन सब्सक्राइब एक बेल आइकन दिख रहा होगा उसको भी कर ले ताकि मेरा हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे और आप डेली कमाल के इंग्लिश स्ट्रक्चर सिक्स